रामगढ़ जिला समाहरणालय में लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया के साथ हुई बैठक का आयोजन। रामगढ़ समाहरणालय में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के उपरांत आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने पुलिस अधीक्षक रामगढ़ डॉक्टर विमल कुमार की उपस्थिति में रामगढ़ समाहरणालय में जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों व प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान सभी को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मौके पर उनके द्वारा 14 लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ जिले में 22, बड़का गांव 23, रामगढ़ एवं 24 मांडू विधानसभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी गई। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन के तहत रामगढ़ जिले के कुल 455 भवनों में 852 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस बार के निर्वाचन में कुल 7,28,632 37,04,759 पुरुष व 3,53,852 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। लोकसभा आम निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन हेतु 26 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके उपरांत नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 3 मई 2024, स्कूटनी 4 मई 2024 एवं मतदान 20 मई 2024 को होगा। वहीं मतगणना 4 जून 2024 को होगी। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त के द्वारा सभी मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी उपायुक्त हजारीबाग होंगी। वहीं 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ एवं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उप समर्थता सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन रामगढ़ निर्वाचन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त के द्वारा आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों की भी जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई। एमसीएमसी कुशांग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को पेड न्यूज मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग आदि के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रामगढ़ जिले में कुल 37 मतदान केंद्रों पर पर्दानशी मतदान केंद्रों के रूप में चयनित किया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों को पर्यटन अथवा कला से संबंधित विभिन्न थीमों के आधार पर मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मौके पर बैठक में मुख्य रूप से धर्मेंद्र पटेल, राजेश राय, अनुज कुमार, जावेद खान, मंसूर खान, अनिल विश्वकर्मा, अंकित कुमार के साथ कई पत्रकार मौजूद थे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। इसके अलावा ईवीएम की भी हमारे संपूर्ण व्यवस्था की भी है। बार बार ईवीएम वेयर हाउस के बारे में आप लोगों को अवगत भी कराया गया है। अभी आज से पहले तक ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर ईवीएम कैसे वर्क करता है, वोट कैसे की जानी चाहिए, इसके संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया है। आज की बात से और सतर्कता बढ़ती जाएगी। अभी हम लोग आदर्श आचार संहिता में खास करके जो पब्लिक प्रॉपर्टी के डिफेसमेंट के जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको 48 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व करना होता है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि एक सी विजिल नाम से पिछली बार से व्यवस्था शुरू की गई थी, जो इस चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रभावी हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति यह पाता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या किसी तरह के क्या कदाचार बढ़ता जा रहा है, किसी तरह के इल्लीगल चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे चुनाव में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है या गलत तरीके से उसको प्रभावित किया जा सकता है, तो सी विजिल ऐप के माध्यम से तत्काल हमें शिकायत भेज सकता है, जिसपे तुरंत एक्शन लेना पूरे प्रशासन की प्रतिबद्धता है। 365 दिन आपके साथ।
अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।